आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज कार्बन एंड सिलिकॉन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप बिकॉज ऑप्शन ए बोथ फॉर्म क्लोराइड्स विद क्लोरीन ऑप्शन बी बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑप्शन सी बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड ऑप्शन डी इज बोथ फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन सो so, अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो सिक्स होता है और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें तो वो होगी वन एस टू टू एस टू एंड टू पी फोर और अगर हम सिलीकन का एटॉमिक नंबर देखें वो होता है 14 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी टू सो अगर हम इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें जो कार्बन में मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मेरे टोटल फोर इलेक्ट्रॉन है डेट मीन्स इसमें मेरे फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन में और अगर हम सिलीकन की बात करें तो सिलीकन में जो मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेरे फोर इलेक्ट्रॉन है दो एस ऑर्बिटल में और दो पी ऑर्बिटल में सो so, इसमें भी मेरे फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंसी होती है वो मेरी ग्रुप नंबर के इक्वल होती है वैलेंसी मेरी ग्रुप नंबर के इक्वल होती है सो डैट मीन्स जितनी मेरी वैलेंसी होगी वही मेरा ग्रुप नंबर होगा सो so, अगर हम कार्बन एंड सिलीकन में देखें इनका सेम ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि इनमें मेरे सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होते हैं सो so, अगर हम इन ऑप्शन में देखें सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ट्वेल्थ से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर